अंबरपेट चौराहे पर चारशंबे की शब होटल फिजा का जनाब यूसुफ शरीफ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीजेपी रुकन असेंबली जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए यूनुस शरीफ ने कहा कि उन्हें होटल लाइन में 20 साल का तजुर्बा है और उनकी होटल में शाही, मुगलाई, चाइनीज़ डिशेज़ के अलावा जायकेदार बिरयानी दस्तियाब रहेगी। सब आप बताइए कि आप चाय, ईरानी चाय में कितने साल करते हैं? ईरानी चाय तो मैं यहाँ पर 2 साल से बेच रहा हूँ। वैसे अहमदाबाद में मेरी 3 होटलें थी, वहाँ पर भी बेच चुका हूँ। आपके पास क्या क्या रहेगा मेन्यू? तो उसके बाद भाई दम की बिरयानी हैदराबादी 100% प्योर पोटला एंड चिकन के साथ। अच्छा, दम की बिरयानी और मेनू मेनू में जो है तंदूरी है, चाइनीज़ है, मल्टी क्यूजन्स है। फैमिली सेक्शन का भी इधर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा फैमिली सेक्शन है क्योंकि लोग जो है ना फन और एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, सी फूड भी है वो? जी हाँ, सी फूड है, आपके तंदूरी है, चाइनीज़ है। आपके होटल की स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी हमारे पास जो है ना FTR बोल के एक स्पेशल बिरयानी बना रहे हैं हम लोग फिजा टावर रेस्टोरेंट के नाम से, जिसमें कि सारा मिक्स रहेगा उसके अंदर, सी फूड, चिकन और मटन मिक्स रहेगा। चिकन और मटन मिक्स रहेगा अच्छी से अच्छी। सॉरी, हाइजेनिक फूड है ये तो 100% आजकल तो हाइजेनिक फूड देना ही जरूरी है और हमारा किचन भी हाइजेनिक ही है। कैटरिंग का कुछ इंतजाम है? 50 आदमी से लेके आप 500 का आदमी बोलेंगे तो भी हम लोग कैटरिंग कर सकते हैं। कैटरिंग का भी आ रहा है? शादी ब्याह के मसले, शादी ब्याह, रस्मों रिवाज, जो भी कोई छोटी मोटी दावत भी है तो हम लोग बैंक्वेट हॉल का भी इंतजाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा और ऑलरेडी हम लोग आपके हॉल में भी आके भी कर सकते हैं। तो रमज़ान के पेश नज़र क्या इंतजाम है? भाई रमज़ान के पेश नज़र इंशाल्लाह रमज़ान आने से पहले इंतजाम पूरे इंशाल्लाह मैं बता दूँ। हलीम वगैरह तो हम लोग तो हलीम तो रिकॉर्ड तोड़ बेचे हैं लास्ट ईयर। अभी आवाम को सहूलत नहीं और इंशाल्लाह पकवान भी होंगे? हम लोग ट्रेडिशनली हलीम बनाएंगे, ट्रेडिशन हलीम।